देखिए सुनिए, एक प्रॉब्लम हो गया है। हम सबके जो रूम है वो एक साथ नहीं है, अलग अलग है। मतलब कोई 9वें माले पे है तो कोई 12वें माले पे है। अरे एवं क्यों चलेगा यार, एक काम करते हैं, एक क्रूज वाले को बोलते हैं और अपने रूम चेंज करा लेते हैं। अरे ऐसे नहीं कर सकते भाई सोड़ी। क्यों? अरे भाई बड़े तो रिक्वेस्ट तो करके देख। अरे क्या रिक्वेस्ट करूँ जेठालाल, मैं गोकुला सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ, इस जांच का नहीं हूँ भाई। नहीं नहीं, मुझे भी एक बार लगा के सब एक ही फ्लोर पे होने चाहिए, पर ये जहाज तो पहले से ही बुक होता है ना भाई पूरा। ठीक है भाई, तो अभी बता किसका रूम कौन से माले पे किधर है। हाँ बताता हूँ, जेठालाल, चंपक चाचा, बेहता साहब, अंजलि भाभी, हाँ, और टप्पू और गोली, आप लोग हो 9वें माले पे। 9वां माला बाबू जी। सुना भाई, खाली। फिर मैं माधवी, सोड़ी रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी और पोपटलाल, हम सब है 12वें माले पे। ठीक है ठीक है, अभी लेकिन एक साथ सब एक फ्लोर पे होता तो मजा आता नहीं का। हाँ अरे भाई कोई बात नहीं, रूम भले ही ना अलग अलग हो, पूरा दिन तो साथ में ही रहना है। हाँ हाँ, चलो चलो अपने अपने रूम में चलते चलो। अरे अरे रुको रुको, एक मिनट रुको। देखो सबसे मेन बात, हमारा जो क्रूज है वो बीच समुन्द्र जाने वाला है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीच समुद्र जाने के बाद किसी के मोबाइल काम नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होगा। ओहो, और आज के जमाने में एक दूसरे को फोन पर कांटेक्ट किए बगैर हम लोग मिल नहीं सकते, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, हमें इसकी आदत नहीं है ना। ओ भाई भीड़, ऐसा कैसे चलेगा भाई, मुझे मैरिज ब्यूरो से फोन आते हैं, ऐसे नेटवर्क नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पोपटलाल अभी 3 दिन शादी, मैरिज ब्यूरो, सब भूल जाओ। अरे क्या भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल जाओ, मेरे लिए एक भी फोन ऐसे मैरिज ब्यूरो का मैं ऐसे टाल नहीं सकता भाई। ओहो, तुमने अपना फोन इंटरनेशनल रोमिंग करवाया है? नहीं था, वो तो तूने बोला ना नेटवर्क नहीं मिलता है, अगर नेटवर्क मिलेगा तो मैं करवा लूंगा। बस बस बस, कर लो कर लो। इन शॉर्ट हमें तय की हुई जगह पर तय किए हुए समय पर मिलना है, वरना सब लोग खो सकते हैं। क्या है, हमारे जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तो भी लोग आराम से एक दूसरे से मिला करते थे, लेकिन आज के जमाने में सामने सामने खड़े फिर भी फोन पे बात करेंगे। अरे भाई मैं इधर हूँ, अरे भाई मैं इधर खड़ा हूँ, ऐसे। चल चल बस, अभी भिड़े तो क्या, इतना लेक्चर देने बैठ गया भाई, पहले रूम में तो जाने दे, इतना फेस प्रूफ होने दे भाई। चलो चलो चलो। अरे रुको रुको, एक मिनट रुको। अरे मास्टर जी का लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ जेठालाल, हमने तय किया कौन से समय पे मिलना है, कहाँ मिलना है, सब लोग ढूंढते रहेंगे एक दूसरे को, फिर बोलेंगे अरे भाई ये भिड़े ने सब ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं वैसा। हाँ हाँ भिड़े भाई इज राइट, अब तो फिर हम लोग डिसाइड कर लेते ना कि कहाँ पे मिलना है। बराबर, अभी हम लोग सब रूम में जाएंगे, मस्त की फ्रेश फ्रुश हो जाएंगे, और ठीक 2 घंटे बाद डेक नंबर 16 पे पूल के पास मिलेंगे, पूल मतलब स्विमिंग पूल के पास मिलेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी मैं सबको रूम कीज दे रहा हूँ। हाँ ये रूम की चाबी है, एक तुम्हारे लिए, एक चाचा जी के लिए। हाँ अच्छा, और हम दोनों का रूम अलग अलग है? नहीं अलग अलग नहीं है, एक ही है, वो तो एक सेफ्टी के लिए दिया है अलग। अच्छा अच्छा, आगे पीछे हम लोग कहीं बाहर गए हो तो बराबर। भाई अपने रूम में जाएगा ना, बाद में सबके रूम में फोन कर देना कि कौन कौन से रूम में है, उसका नंबर दे देना। हाँ सबको बोल दूंगा। हाँ हाँ, सबका नंबर एक दूसरे को दे देना। ठीक है चलो चले अभी। हाँ चलो 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 चलो। इस तरफ इस तरफ।